ખાતર વચ્ચે ખાનગી સ્કૂલ દ્વારા ફી વસૂલવામાં આવી રહી છે। આ મામલે દેશભરમાં વાલીઓએ અભિયાન શરૂ કર્યું છે, ત્યારે હવે સોશિયલ મીડિયામાં વાલીઓએ જંગ છેડ્યો છે। નો સ્કૂલ નો ફીના નામથી વાલીઓએ ટ્વીટ કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે। દેશભરના વાલીઓએ ટ્વિટર પર એજ્યુકેશન એક્લિપ્સ સાથે અભિયાન કર્યું છે। બંધ સ્કૂલની ફી કેમ આપવી તેને લઈને દેશભરમાં વિવાદ થઈ રહ્યો છે। વાલીઓએ 6 મહિનાની ફી માફીની માંગ કરી છે। हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, उस शिक्षा का अधिकार आज भारत में, समूचे भारत में आज हमारा शिक्षा का अधिकार हमको मिल नहीं रहा है। और स्कूल वाले, हम जो स्टेक होल्डर है, जहां हमारी फीस भरती है, जहां स्कूल चलती है, वहां हमको न्याय नहीं मिल रहा है। इतने सालों से हमने फर्स्ट टाइम, जब कोरोना 100 साल के बाद ये महामारी आई, धंधा रोजगार नहीं था, तभी उसी टाइम हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि हमको 3 महीने की फीस हमको माफ कराइए। अब हम 3 महीने की नहीं पर 6 महीने की बोल रहे हैं, क्योंकि एक सत्र की फी सरकार हमारी माफ कराए। सारा प्राइवेट जो कॉमर्शियलाइजेशन, जो मतलब शिक्षा का व्यापार बन गई है, उस शिक्षा का व्यापार रोकने के लिए आज मैंने घर से काली पट्टी लगा के एक मौन सरकार को ये सीमा चिन्ह दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को जो आरटीई एक्ट, जो हमारे बंधारण में आपने पास किया हुआ है, संसद में पास किया हुआ है, उस संसद के न्याय को हमारे बच्चे तक दिलाइए। और हमको आरटीई का मुफ्त शिक्षण जो है, वो मुफ्त शिक्षण का अधिकार जल्द से जल्द हमको मिले। और ये कॉमर्शियलाइजेशन जो स्कूल वाला ने किया हुआ है, उसको बंद कीजिए।